प्यारे साथियों, महेश गुरु जी की इस क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास सिर्फ क्लास नहीं, बहुत ही शानदार क्लास साबित होगी अगर आपने इस क्लास को मन से ले लिया तो, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के 5 ऐसे एक्सेप्शन, ऐसे अपवाद बताऊंगा जो अक्सर आपको कंफ्यूज कर देते हैं। अगर आप एक न्यू लर्नर हैं, हाल ही में आपने इंग्लिश ग्रामर में एंट्री मारी है और थोड़े बहुत रूल्स आपको पता है, तो कुछ बातें, कुछ एग्जांपल, कुछ सेंटेंस हैं जो आपको परेशान कर देते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि यार इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा पढ़ा था बट यहां पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो मैं कह सकता हूं कि वो एक्सेप्शन भी नहीं, वो अपवाद भी नहीं, वो कुछ ऐसे बेसिक रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए। देखिए साथियों, मैं हर वीडियो में यही प्रयास करता हूं कि आपको कुछ ऐसा दे सकूं जिससे आपकी नींव मजबूत हो जाए, आपके लिए इंग्लिश बहुत इजी हो जाए, आप खुद सीख सकें और दूसरों को भी आसानी से सिखा सकें। तो मैं चाहता हूं कि आप पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ ऐसे बेसिक्स, ऐसी कुछ यूनिक बातें पता लगेंगी जो वास्तव में आपको पता होनी चाहिए। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। एक्सेप्शन नंबर 1 मैंने लिया है टेंस में से। आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर में कुल 12 टेंस होते हैं, और साथियों जब हम टेंस सीखते हैं तो क्या सीखते हैं, देखिए पहले तो हम पहचान देखते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी के बिना तो हमारे टेंस हिलते भी नहीं है भाई। ता है, ती है, ते है, था, थी, थे, चुका, चुकी, चुके, इस तरह से हम हिंदी की पहचान देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो काम करते हैं वो क्या करते हैं कि भाई किसी टेंस में क्या तो हेल्पिंग वर्ब्स है और मेन वर्ब किस फॉर्म में आ रहा है, यानी फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, सेकंड आ रहा है, आईएनजी फॉर्म आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, मतलब ये स्ट्रक्चर हम 12 टेंस का अलग अलग देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, तो राहुल तो क्या हो गया सब्जेक्ट, और इज क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग क्या हो गया मेन वर्ब का फॉर्म, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, टेंस कौन सा हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है दे हैव टेकन क्लास, वे क्लास ले चुके हैं, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, और मेन वर्ब हो गया टेकन थर्ड फॉर्म, टेंस कौन सा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 12 टेंस में जो हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है, वो अलग अलग फॉर्म लेता है, और हेल्पिंग वर्ब भी हर टेंस में अलग अलग आते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। बट साथियों, ये रूल टूट जाता है 2 टेंस के अंदर। कौन कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि इनके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, इसलिए ये रूल टूट जाता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई हमारा सब्जेक्ट हुआ और प्ले हमारा मेन वर्ब हुआ, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ध्यान रखना साथियों, टेंस 12 है और हर टेंस के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको हमेशा ध्यान रखना। यहां पे आप इसको नोट कर सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस डोंट टेक हेल्पिंग वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्यों में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। आप ऐसा मत मान के चलना कि इन 2 टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, होती है, लेकिन वो सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काम में आती है। जैसे इसी सेंटेंस को जो कि अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, मुझे नेगेटिव में चेंज करना है, तो मैं यहां पे हेल्पिंग वर्ब लूंगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, लेकिन वो सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही काम में ली जाती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं। इसी तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सी कुक्ड फूड, इसको मुझे नेगेटिव में चेंज करना है, तो फिर मैं हेल्पिंग वर्ब लूंगा डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। सी डिड नॉट कुक फूड, उसने भोजन नहीं पकाया था। तो इस एक्सेप्शन नंबर 1 को हमेशा ध्यान रखना कि टेंस 12 है और सभी टेंस के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में, स्वीकारात्मक या सकारात्मक सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, जबकि अन्य सभी 12 टेंसों के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब लगता है, लिखा जाता है। और साथियों, अब हम देखते हैं एक्सेप्शन नंबर 2, अपवाद नंबर 2। अब ये बहुत मजेदार है, बहुत रोचक है, इसको आप पढ़िए। एक्सेप्शन नंबर 2 मैंने क्या लिखा, एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एक्सेप्शन, यानी पहला जो एक्सेप्शन था, पहला जो अपवाद था, उसका ये एक्सेप्शन होगा, उसका ये अपवाद होगा। अब पहला एक्सेप्शन क्या था, आपको पता है कि टेंस 12 है, उनमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता।
अब माना कोई न्यू लर्नर है, उसने 12 टेंस देख लिए और 12 टेंस के हेल्पिंग वर्ब अलग अलग याद कर लिए और उससे गलती हो गई, यानी उसने प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। क्या प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज काम में ले लिए और पास्ट इंडेफिनेट में डिड काम में ले लिया, तो भी सेंटेंस गलत नहीं होता है, इसलिए ये एक एक्सेप्शन बन जाता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, बट एक न्यू लर्नर ने गलती से इसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू होता है, डू और डज, आई के साथ डू लगा दिया, सही है, तो ये बना आई डू प्ले क्रिकेट, यानी उसने एक अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। तो साथियों ध्यान रखना, ये डू यहां पर राइट तो है, बट यहां पर ये एक हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा, एक अलग ही सेंस दे रहा है और वो सेंस होता है एम्फेटिक का सेंस, यानी जोर देने का अर्थ। तो इसका अर्थ है आई डू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता तो हूं, खाली मैं क्रिकेट खेलता हूं, अगर आप यही बोलना चाहते हो, यही लिखना चाहते हो, तो फिर ये डू यहां पे रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मैं क्रिकेट खेलता तो हूं, यानी किसी बात पे आप जोर दे रहे हो, किसी बात पे फोर्स डाल रहे हो, एम्फेटिक यानी जोर दे रहे हो, तो आप डू डज डिड को एम्फेटिक सेंस में यूज करते हो। तो आई डू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता तो हूं। नेक्स्ट देखिए, सी कुक्स फूड, वह भोजन पकाती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह भोजन पकाती है, बट मानो किसी से मिस्टेक हो गई, उसने लिख दिया सी डज। अब जब आपने डज लगा दिया तो फर्स्ट फॉर्म में एस और यस नहीं आएगा, ये तो एक पक्का रूल है, आपको पता होना चाहिए, तो सी डज कुक फूड। तो साथियों अब भी ये सेंटेंस करेक्ट है, बट ध्यान रखना यहां पर ये डज एक हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा, यहां पर एक एम्फेटिक सेंस, एक जोर देने का काम कर रहा है। अब सेंटेंस का अर्थ होगा सी डज कुक फूड, वह भोजन पकाती तो है, यानी राइट तो है, बट एक अलग ही सेंस के साथ राइट है, एम्फेटिक सेंस के साथ राइट है। अब आप ऐसा मत करना कि सर ने हमको बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है। ध्यान रखना यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आ रहे, एक एम्फेटिक, एक जोर देने के सेंस में आ रहे, यानी कहीं अगर आपको ऐसा लिखना है, ऐसा बोलना है, तो ही आप इनका यूज करें, एक सामान्य बात में, एक सामान्य कथन में, एक अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में वास्तव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, बट यहां पर अगर ये लग रहे तो एक अलग सेंस के साथ लग रहे। नेक्स्ट देखिए, रवि रोट अ लेटर, रवि ने एक पत्र लिखा था, पास्ट इंडेफिनेट का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक सकारात्मक वाक्य है। अब इसके साथ भी हमें यही करना है कि इस एक अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन एम्फेटिक सेंस में, जोर देने के अर्थ में। रवि ने पत्र लिखा था, सामान्य अर्थ है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, लेकिन रवि ने पत्र लिखा तो था, हमने जोर दिया, तो फिर हम डिड को लाएंगे एम्फेटिक सेंस में, तो यहां पर लिखेंगे रवि डिड। अब ध्यान रखना डिड के साथ राइट आएगा, ना कि रोट। चलो एक छोटी सी बात आप हमेशा ध्यान रखना, डू डज डिड के साथ हमेशा मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, डू डज डिड के साथ हमेशा मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इस बात को आप कभी मत भूलना। साथियों अब हम देखते हैं एक्सेप्शन नंबर 3। अगर आप एक बेसिक लर्नर है और इंग्लिश के ज्यादा टॉपिक्स की आपको जानकारी नहीं है, तो ये वाला रूल देख करके आप चौंक जाओगे। देखिए इंग्लिश में जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो बहुत सारे WH वर्ड हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हूज, हुम, विच, ये बहुत सारे WH वर्ड हैं जो कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन आदि अर्थ देते हैं और हम इनसे प्रश्न बनाते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब हम प्रश्न बनाते हैं तो एक पक्का रूल काम करता है कि सबसे पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब आता है, यानी ये रूल कभी नहीं टूटता है। बट अब यहां से हमारा एक्सेप्शन शुरू हो रहा है कि ये रूल टूट जाता है कब, जब ये सभी WH वर्ड प्रश्न करने का काम ना करें और एक और ही काम करें, और क्या काम होता है, वो काम है कंजक्शन का काम। तो साथियों जब हम क्लास टॉपिक पढ़ते हैं तो जितने हमारे WH वर्ड हैं ये सभी सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का काम करते हैं और एक अलग ही अर्थ देते हैं। अभी मेरी बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी, चलो एग्जाम्पल से देखो। देखिए What did you see? तुमने क्या देखा था, यहां पर what क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बिल्कुल WH word है। और देखिए वो रूल भी काम कर रहा है, WH word, उसके बाद helping verb did आया, उसके बाद subject आया, main verb आया, तो तुमने क्या देखा था, यहां पर ये WH word है। लेकिन जरा आगे बढ़े, when you went to Agra, जब तुम आगरा गए थे, यहां पर ये when क्या बोल रहा है, जब, और ये WH word के रूप में क्या बोलता है,
कब बोलता है, लेकिन यहां पर ये कब नहीं बोल रहा, तो ये पर प्रश्न भी नहीं कर रहा, तो फिर ये WH वर्ड नहीं है, यहां पर एक कंजक्शन है। और फिर दूसरी खास बात जो मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं, वो रूल भी यहां पे काम नहीं कर रहा। कौन सा? कि WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। देखिए यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए यहां पर ये WH वर्ड नहीं है, एक कंजक्शन है जिसका अर्थ होता है जब। मैं लिख देता हूं जब, और इसका अर्थ क्या है? क्या? तो सीधी सी बात यह है कि यह तो एक WH वर्ड है, लेकिन यहां पर यह वैन एक WH वर्ड नहीं है, एक कंजक्शन है जिसका अर्थ होता है जब। तो व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा था? व्हेन यू वेंट टू आगरा, जब तुम आगरा गए थे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर लास्ट में तो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हुआ है? तो वो साथियों इसकी वजह से लगा हुआ है कि ये पूरा सेंटेंस एक प्रश्न है। इस प्रश्न में से प्रश्न सिर्फ यहां तक था, यहां से आगे क्लाज है, ठीक है। अब ये क्लाज क्या होते हैं, इस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, आप जाके वो देख लेना। फिलहाल मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि ये WH वर्ड नहीं है। इस पर WH वर्ड को जो फ्रेम करने का, जो प्रश्न बनाने का जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर है, वो लागू नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, टेल मी व्हाट यू वांट, टेल मी मुझे बताओ, व्हाट यू वांट जो तुम चाहते हो। तो यहां पर साथियों इस व्हाट का अर्थ क्या है? जो है, ना कि क्या। यहां पर व्हाट का अर्थ क्या था? क्या। तो यहां पर एक WH वर्ड था, लेकिन यहां पर ये कंजक्शन है। कौन सा? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ध्यान रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी हमारे WH वर्ड क्लाज नामक टॉपिक में आते हैं तो ये कंजक्शन का काम करते हैं, इनको हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। और अगर ये वहां पे आए, यानी क्लाज में आए, तो फिर जो फ्रेमिंग क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है कि WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वो इन पर लागू नहीं होता, क्योंकि वहां पर ये प्रश्न बनाने का काम करते ही नहीं है। तो टेल मी मुझे बताओ, व्हाट यू वांट जो तुम चाहते हो, तो यहां पे व्हाट क्या बोल रहा है? जो बोल रहा है। यहां पे क्या बोल रहा था? क्या। तो यहां पर तो ये एक WH वर्ड है, एक प्रश्न बनाना है, और यहां पर एक कंजक्शन है जिसका अर्थ है जो। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द बॉय, यह लड़का है, हुम आई टॉट लास्ट ईयर, हुम जिसको, तो यहां पर क्या बोला इसने? जिसको। जबकि अगर ये WH वर्ड होता तो क्या बोलता? किसे या किसको। हुम का अर्थ क्या होता है? किसे या किसको। लेकिन यहां पर क्या बोला इसने? जिसको। तो यह लड़का है जिसको आई टॉट लास्ट ईयर, जिसको मैंने पिछले वर्ष पढ़ाया था। तो ध्यान रखना, इस लड़के की विशेषता बता रहा है, ये पूरा एक क्लाज है, और ये एक एडजेक्टिव क्लाज कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर द बस इज गोइंग, जहां बस जा रही है। तो यहां पर यह क्या बोल रहा है? जहां बोल रहा है, और एक कंजक्शन है। तो इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना अगर किसी सेंटेंस में WH वर्ड लगा है और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम प्रश्न बनाते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है और WH वर्ड उस सेंटेंस के अंदर है, तो फिर ध्यान रखना कि वो एक कंजक्शन के रूप में है, वो एक WH वर्ड नहीं है। इस सेंटेंस में देखिए, आई डोंट नो वेयर द बस इज गोइंग, फुल स्टॉप आ रहा है, ये प्रश्न नहीं है। दिस इज द बॉय हुम आई टॉट लास्ट ईयर, ये फुल स्टॉप आ रहा है, ये प्रश्न नहीं है। टेल मी व्हाट यू वांट, मुझे बताओ जो तुम चाहते हो, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। इसमें क्वेश्चन मार्क है वो इसलिए क्योंकि ये वाला जो वर्ड था ये यहां पे कंजक्शन नहीं था, एक WH वर्ड था। तो ये एक्सेप्शन, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि WH वर्ड इंग्लिश में दो रोल करते हैं, दो काम करते हैं, एक प्रश्न बनाने का काम करते हैं, और जब क्लास टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर ये कंजक्शन का काम करते हैं, एक अलग ही अर्थ देते हैं। जैसे व्हाट का अर्थ है जो, व्हेन का अर्थ है जब, वेयर का अर्थ है जहां, हु का अर्थ है जो या जिसने, तो एक अलग ही अर्थ देते हैं, एक कंजक्शन का काम करते हैं, इस बात को कभी मत भूलना। साथियों अब हम देखते हैं एक्सेप्शन नंबर 4। अंग्रेजी में आप कई बार ऐसे सेंटेंस देखते हो जिनमें टाइम तो कुछ होता है और टेंस कुछ होता है, तो आप चौंक जाते हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, द मैच स्टार्ट्स टुमारो, इसका अर्थ है मैच कल शुरू होगा। अब इसमें क्या हो रहा है? टाइम तो है टुमारो, यानी आने वाला कल। कब की बात की जा रही है? फ्यूचर की बात की जा रही है, लेकिन फ्यूचर की बात को फ्यूचर टेंस में कहने के बजाय, अगर बात फ्यूचर की है तो फ्यूचर आना चाहिए था ना, विल सेल आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा है, तो मैच स्टार्ट्स, मैच कल शुरू होता है, ऐसे बोलना चाहिए, जबकि बोला जा रहा है कि मैच कल शुरू होगा। तो टाइम तो है फ्यूचर और टेंस है प्रेजेंट, तो ऐसी स्थिति क्यों हुई? तो ध्यान रखना, यहां पे आपको परेशान नहीं होना है। ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जब हम फ्यूचर के एक ऐसे इवेंट की बात करें जिसका शेड्यूल पहले से ही बना दिया गया हो, या फिर जिसका शेड्यूल हम ना बनाए, कोई और बनाए, एक बड़े पैमाने पर बनाया जाए, और वो शेड्यूल वो इवेंट के बारे में एक न्यूज़पेपर में आ सके। जैसे द पीएम गोज टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, प्रधानमंत्री अगले सप्ताह अमेरिका जाएंगे। अब मैंने क्या कहा? गोज,
और यहां पे मैं गोज बोला और नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह जाएंगे, तो मुझे विल लगाना चाहिए था। लेकिन ध्यान रखना, इस इवेंट का शेड्यूल भी किसी और के द्वारा बनाया गया, हमने नहीं बनाया, और ये न्यूज़पेपर में आ सकता है। तो ऐसी बातों को हम प्रेजेंट इंडिफरेंस में कहते हैं, फ्यूचर का होने पर भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह मुंबई जा रहा हूं। तो कब जाएगा? नेक्स्ट वीक में। तो टाइम तो क्या हुआ? फ्यूचर का। लेकिन किस टेंस में कहा गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो टेंस तो है प्रेजेंट और टाइम है फ्यूचर का। तो साथियों ध्यान रखना, कई बार हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से फ्यूचर के एक्शन के बारे में बता सकते हैं, किसी प्लानिंग के बारे में बता सकते हैं। आपको परेशान नहीं होना है, यानी ये सिचुएशन भी इंग्लिश में कई बार हमारे सामने आ जाती है। हालांकि यहां पर मैंने सिर्फ दो ही एग्जाम्पल लिए, क्योंकि टाइम और टेंस का जो डिफरेंस है, इसको लेकर मैंने अभी अभी एक वीडियो बनाया, जो जस्ट इससे पिछले वाला वीडियो था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर डिटेल में देख लेना। लेकिन आपको आज के बाद चौंकना नहीं है, इंग्लिश में ऐसी स्थिति भी आ जाती है। और साथियों अब हम देखते हैं एक्सेप्शन नंबर 5। एक्सेप्शन नंबर 5 क्या कहता है? एक ग्रामर का बहुत ही फेमस रूल है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ निश्चित ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इस बात को कभी मत भूलना। लेकिन ध्यान रखना, अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव लग रहा है तो फिर थर्ड फॉर्म आएगा, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों बातों को हमेशा ध्यान रखना, यानी मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन मॉडल के साथ हैव लगा दिया तो फिर थर्ड आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई कैन राइट स्टोरीज, मैं कहानियां लिख सकता हूं। तो कैन क्या है? एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। ऐसे ही यू शुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करनी चाहिए, तो शुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। लेकिन अगला एग्जांपल देखिए, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसकी मदद करनी चाहिए थी। एक खास बात और ध्यान रखना, जब भी हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव लगाए तो फिर वो पास्ट के सेंस में चला जाता है, यानी मॉडल का पास्ट बन जाता है। जैसे यू शुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करनी चाहिए, प्रेजेंट में बोल रहे हैं। लेकिन यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसकी मदद करनी चाहिए थी, तो ये पास्ट की सिचुएशन को, पास्ट की कंडीशन को दिखा रहा है। तो ध्यान रखना, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, कैन हैव, मे हैव, कोई भी मॉडल हो उसके साथ हैव लगा हो तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ पे शुड हैव के साथ क्या आई? वर्ब थर्ड फॉर्म। रवि मस्ट हैव इनवाइटेड मी, रवि को मुझे इनवाइट करना चाहिए था। अगर ये होता रवि को मुझे इनवाइट करना चाहिए, केवल मस्ट होता तो रवि मस्ट इनवाइट मी, लेकिन करना चाहिए था पास्ट के सेंस में गया, तो मस्ट हैव इनवाइटेड थर्ड फॉर्म आया। तो ध्यान रखना, मॉडल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मॉडल प्लस हैव तो फिर थर्ड फॉर्म आएगा। तो साथियों बच्चों, ये थे ग्रामर के कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद, कुछ फेमस रूल्स जो आपको पता होने चाहिए। और अगर आपको और ग्रामर के वीडियो चाहिए डिटेल में, फुल नॉलेज के साथ, तो उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।